मंदिर के बारे में। द्रक्षरमम में श्री माणिक्यम्बा देवी समिता भीमेश्वर स्वामी मंदिर दक्षिण भारत में महान ऐतिहासिक महत्व वाला एक प्राचीन पूजा स्थल है। इसे 5 पंचरमों में से एक और 18 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। भगवान शिव और शक्ति देवी इस मंदिर में अपना निवास करते हैं। भगवान भीमेश्वर स्वामी और माणिक्यम्बा प्रमुख देवता हैं। यह स्थान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा रोड पर कोनासीमा के द्रक्षरामम शहर में स्थित दक्षिण काशी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के मुख्य देवता भीमेश्वर स्वामी 14 फीट लंबे हैं, जिन्हें एक बड़े क्रिस्टल से उकेरा गया है, जिसे स्पतिकारा लिंगम के नाम से जाना जाता है। मूर्ति का ऊपरी भाग सफेद रंग का होता है, जो अर्धनारीश्वरण तत्वम को दर्शाता है। द्रक्षरमम का अर्थ है दक्ष प्रजापति का निवास, जिसका अर्थ है सती के पिता और भगवान शिव के ससुर। मंदिर का समय, दिन, समय, सोमवार से रविवार सुबह 5:30 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक। पौराणिक इतिहास। इस स्थान पर एक दिलचस्प कहानी का इंतजार है। तारकासुर वध के दौरान शिवलिंग, जो थरकासुर के गले में था, 5 टुकड़ों में टूट गया। इनमें से एक टुकड़ा यहीं इस स्थान पर गिरा था, तभी से यह द्रक्षरमम के रूप में अस्तित्व में आया। इस मंदिर को शक्ति क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि जब सती की मृत्यु हुई तो उनके शरीर का 12वां हिस्सा, बाएं गाल, यहां गिर गया था, इसलिए इसे देवी माणिक्यम्बा के नाम से जाना जाता है। किंवदंती कहती है कि दक्षराम को वह स्थान माना जाता है जहां दक्ष यज्ञ हुआ था। हिंसा के बाद भगवान शिव ने पूरे स्थान को आशीर्वाद दिया और भगवान वीरभद्र द्वारा वहां और अशांति फैलाई गई। प्राचीन इतिहास में एक संक्षिप्त। मंदिर का काम 800 ईस्वी में शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी में पूर्वी चालुक्य राजा भीम द्वारा पूरा किया गया। केंद्रीय मंडप का निर्माण ओडिशा के पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम की बहु गंगा महादेवी ने करवाया था। मंदिर को कई नवीनीकरण के अधीन किया गया था और इस प्रकार मंदिर का संरक्षण शाही राजवंशों द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि जब भगवान शिव की पत्नी के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण न भेजकर उनका अपमान किया, सती अपने पिता से इतना क्रोधित और क्रोधित हुई कि उन्होंने यज्ञ के यज्ञ में खुद को नष्ट कर लिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोध में बेकाबू हो गए और उन्हें सती के शरीर को अपने कंधों पर रखकर तांडव नृत्य करने के लिए उकसाया गया। जिसने भी यह देखा, वह हस्तक्षेप करने के लिए भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु ने तब अपने सुदर्शन चक्र के साथ सती के शरीर को काटने के लिए एक कदम उठाया और सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिर गए। द्राक्षरमम भीमेश्वर स्वामी मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया था जहां माना जाता है कि सती का बायां गाल गिरा था। मंदिर वास्तुकला। मंदिर प्राचीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला में बनाया गया है, जो चालुक्य और चोल शैलियों का काफी मिश्रण है। इसमें 2 दीवारों के साथ 2 मंडप हैं। निर्माण एक किले की तरह दिखता है। इसमें 2 रास्ते हैं। एक बाहरी प्रकर्म 4 तरीकों से 4 प्रवेश द्वारों पर खुलता है, जिसमें गोपुरम को देवी गोगुलम्मा, नुकाम्बिका, मुदम्बिका और घट्टम्बिका की नक्काशी के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार किया गया है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान भीमेश्वर स्वामी 9 फीट लंबे शिवलिंगम का रूप लेते हैं। सर्वशक्तिमान के ऊपरी हिस्से के दर्शन पाने के लिए गर्भगृह के ऊपरी हिस्सों में से एक तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत है। इस शिवलिंगम की विशेषता यह है कि सुबह उगते सूरज की झलक लिंगम पर पड़ती है, जो ऊपरी भाग पर काली धारियों के साथ क्रिस्टल बनावट की होती है। भगवान शिव द्वारा तैयार बाघ की खाल के विशाल निशान देखे जा सकते हैं। देवी माणिक्यम्बा देवी की मूर्ति को मंदिर के बाएं कोने के पीछे बाईं ओर देखा जा सकता है। देवी की यह अनूठी मुद्रा उन्हें वामचार देवता के रूप में दर्शाती है। पुष्करणी महत्व। मंदिर में सप्त गोदावरी नामक एक पुष्करणी है। यहां सप्तऋषि इसे प्रकट करने के लिए 7 अलग-अलग नदियों से पानी लाए थे। मंदिर में देवता भगवान भीमेश्वर स्वामी की पत्नी देवी माणिक्यम्बा मंदिर के मुख्य देवता। इसके अलावा अन्य देवता जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान शंकर नारायण, श्री गजानन, नवग्रहों की 9 मूर्तियां, देवी अन्नपुरा, वामन, विरूपा, नटराज, वीरभद्र, प्राकर, भैरवुडू और नृत्य गणपति हैं। द्रक्षरमम मंदिर कैसे पहुंचे? मंदिर कहां स्थित है? काकीनाडा से 28 किलोमीटर की दूरी, राजमुंदरी से 50 किमी, अमलापुरम से 25 किलोमीटर। मंदिर एक प्राचीन पवित्र शिवालय है,
जो एपी दक्षिण भारत में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक है, जहां लाखों भक्त भगवान शिव और उनकी पत्नी की पूजा करने और आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। ड्रेस कोड और मंदिर के नियम। मंदिर परिसर में किया जाएगा पालन। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे शर्ट और पतलून, पजामा या धोती और एक औपचारिक आकस्मिक शर्ट पहने। महिलाओं को साड़ी या पारंपरिक लहंगा चोली के साथ, ब्लाउज या सलवार के साथ, पायजामा और टॉप में रहना पसंद किया जाता है। द्रक्षरमम भीमेश्वर स्वामी मंदिर कैसे पहुंचे? मंदिर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में रामचंद्रपुरम से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजमुंदरी हवाई अड्डे के केंद्र में स्थित है और काकीनाडा, समालकोट और अन्नावरम से रेलवे सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटक निकटतम शहर से टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से द्राक्षरमम मंदिर हैदराबाद से 458 किलोमीटर की दूरी पर है। आगंतुक हैदराबाद पहुंच सकते हैं और सड़क मार्ग से मंदिर तक इस दूरी को कवर कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से हैदराबाद से राजमुंदरी द्राक्षरमम मंदिर से 48 किलोमीटर के लिए एक कनेक्टिंग फ्लाइट ली जा सकती है और भक्त स्थानीय कैब और टैक्सियों द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा द्राक्षरमम मंदिर काकीनाडा, राजमुंदरी और समालकोट का निकटतम रेलवे स्टेशन है, इसलिए ट्रेन की सुविधा हमेशा अन्य शहरों या राज्यों के भक्तों के लिए एक विकल्प है। सड़क मार्ग से